हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, जहां जिले में मोरम के अवैध खनन का खेल इस वक्त जारी है। नियम विरुद्ध अधिक गहराई तक इस वक्त हमीरपुर में खनन जारी है। खनन माफियाओं को किसी भी कार्रवाई का कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। मशीनों के जरिए अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी में संचालित खदान का ये पूरा मामला हमीरपुर से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिले में मोरम के अवैध खनन का खेल जो है वो इस वक्त जारी है। नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध खनन माफिया इस वक्त खनन करने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन का कोई भी भय इन माफियाओं में नहीं दिखाई दे रहा है। मशीनों के जरिए अवैध खनन का खेल चल रहा है। कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी में जो खदान संचालित होती है, इसका ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ब्रजेश, जिस तरह से हमीरपुर में इस वक्त खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमीरपुर जिले में वर्तमान समय में लगभग एक दर्जन बालू खदानें संचालित है। यहाँ जिला प्रशासन की मेहरबानी से बालू माफिया जो है खुलेआम मोरम के अवैध खनन के खेल को अंजाम देते हैं और जिला प्रशासन इसकी ओर देखने की हिमाकत भी नहीं जुटाता है। हालांकि आज सदर SDM ने बेरी खंड के 10/33 खंड में बड़ी छापेमारी की है और वहां पर अवैध खनन कर रही 5 मोकलेट मशीनों को सीज किया है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जिले में मोरम के अवैध खनन का जो खेल है वो जिस वक्त जारी है। इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। वही सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही घटना के बाद से पीड़ित परिजनों में हड़कंप मच गया है। तो बिजनौर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना के बाद से पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर से खबर बता रहे हैं आपको, रफ्तार का कहर वहां पर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। फिलहाल मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। वहीं आगे की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। नई घटना के बाद से पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रफ्तार का कहर बिजनौर से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षतिग्रस्त बाइक मौके पर पड़ी हुई है। वहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बाइकों की हालत को देखकर कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहा होगा। बिजनौर से संवाददाता कोमल हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तो कोमल जी, जिस तरह से बिजनौर से ये रफ्तार का कहर देखने को मिला है, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी के अनुसार जो इंफॉर्मेशन मिली है, रात्रि करीब 10 बजे 2 व्यक्ति बाइक से आ रहे थे, उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, इससे गंभीर रूप से घायल हो गए और CHC ले जाते समय दोनों की मौत हो चुकी है। जी, तो कोमल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में अभी तक पुलिस को अज्ञात वाहन के क्या कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस छानबीन कर रही है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद कोमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत की खबर सामने आई है। इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां अज्ञात लोगों ने तालाब में डाला जहरीला पदार्थ पड़ने की वजह से तालाब का पानी हुआ सफेद, तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई है। गंध से तालाब के आसपास के रहने वाले लोग इस वक्त परेशान हो गए हैं।
जहानाबाद थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव का ये पूरा मामला फतेहपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात लोगों ने तालाब में जहरीला पदार्थ डाल दिया। जहरीला पदार्थ पड़ने की वजह से तालाब का पानी खराब हो गया और तालाब में मौजूद सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई। इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के मुक्तेश्वर जा रही गाड़ी पेड़ से टकराई। हादसे में टेम्पो ट्रेवलर चालक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं गाड़ी में सवार 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के मुरसेना चौकी के पास की ये पूरी घटना आपको हम रामपुर से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुक्तेश्वर जा रही गाड़ी पेड़ से टकरा गई। आपको बता दें कि हादसे में टेम्पो ट्रेवलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं गाड़ी में सवार 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं।